किसी ने बड़ी सही बात कही है, गुनाह हम सब करते हैं, हम सब किसी ना किसी के गुनाहगार हैं, लेकिन गुनाह में भी माफी मिल जाती है अगर हद में हो, और हद के बाहर सिर्फ सजा। लेकिन गुनाह की इस हद को भी किस हद तक पार किया जा सकता है, शायद आप सोच भी नहीं सकते। आज एक ऐसा ही मामला हम आपको हमारे डेली क्राइम शो गुनाह में बताने वाले हैं। मामला केनिया का है। यहाँ पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर पत्नी समेत 42 महिलाओं की हत्या का आरोप है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पुलिस ने बताया कि 33 साल के आरोपी ने हत्या कर चीर फाड़ कर शवों को नैरोबी के कूड़े के ढेर में फेंकने की बात कबूल की है। आरोपी की पहचान कोलिंस जुमेसी हलूशा के नाम से हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को नैरोबी बार के पास गिरफ्तार किया गया, जहां पर वो यूरो 2024 फुटबॉल फाइनल का मैच देख रहा था। खबरों की माने तो आरोपी खलुशा ने दावा किया है कि हत्याएं 2022 से इस साल 11 जुलाई के बीच में हुई हैं। आरोपी ने कबूल किया कि वो 42 महिलाओं को बहला फुसला कर लाया था और उनकी हत्या कर दी और शवों को कूड़े के ढेर वाली जगह पर फेंक दिया। पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए जब आरोपी ने बताया कि उसका पहला शिकार खुद उसकी पत्नी थी, जिसका गला दबाकर उसने हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर उसे ठिकाने लगा दिया। अब तक घटनास्थल से 9 शव बरामद किए गए हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं अभी तक 8 शवों की महिला होने की पुष्टि हुई है। खैर, फिलहाल गुनाह के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.